नमस्कार फ्रेंड्स, कटहल या जैक फ्रूट शाखा युक्त सपुष्पक तथा बहुवर्षीय वृक्ष है तथा इसका जन्म स्थान दक्षिणी पश्चिमी भारत है और यहीं से यह दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों और अफ्रीका तक पहुंचा। कटहल के वृक्ष में प्रतिवर्ष ग्रीष्म ऋतु में कटीले व बड़े फल लगते हैं। पेड़ पर होने वाले फलों में इसका फल विश्व में सबसे बड़ा होता है। फल के बाहरी सतह पर छोटे छोटे कांटे पाए जाते हैं। इस प्रकार के संग्रंथित फल को सोरोसिस कहते हैं। कटहल मुख्य रूप से मोरेसी कुल का सदस्य है तथा इसका बॉटेनिकल नेम आर्टोकार्पस हेटरोफिल्लस है। कटहल यानी जैक फ्रूट बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है। साथ ही साथ यह भारत के दो राज्यों केरल तथा तमिलनाडु का भी राज्य फल है। कटहल के फल के अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, थायमिन, पोटेशियम, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, आयरन, नियासिन तथा जिंक आदि पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें ढेर सारा फाइबर भी होता है। इन तमाम तत्वों की मौजूदगी से यह हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसीलिए इसका उपयोग ज्यादातर लोग भोजन के रूप में करते हैं। कटहल उत्तरी भारत में सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि दक्षिणी भारत एवं पूर्वी और पश्चिमी तटवर्ती इलाकों में पके फल के रूप में इसका स्वाद लिया जाता है। पके कटहल को खाने वालों का मानना है कि इसके स्वाद में सेब, केला, आम और अनानास का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। आजकल कटहल के फल से कई प्रकार की खाद्य सामग्रियां जैसे सब्जी, कोफ्ता, अचार, पकौड़ा, चिप्स, पापड़, आटा आदि तक बनाए जाने लगे हैं। यही कारण है कि इसके फल से किसानों की आय में काफी वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से इसकी बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी है। एक परिपक्व कटहल का पौधा एक वर्ष में लगभग 100 से 200 फल पैदा कर सकता है। कटहल के पौधे सभी प्रकार की भूमि में पनप जाते हैं, परंतु अच्छी जल निकास की व्यवस्था वाली गहरी दोमट मिट्टी इसके बढ़वार एवं पैदावार के लिए काफी उपयुक्त होती है। धन्यवाद।